फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं हो चुकी हूँ नहा धोके एकदम फ्रेश। घर का सारा काम हो चुका है, बस अभी नाश्ता नहीं किया है क्योंकि विक्की अभी जस्ट आए हैं, वो नहा रहे हैं क्योंकि आज वो थोड़ा लेट आए। 8:30 हो चुका है, मतलब 8:30 से ज्यादा हो चुका है टाइम। तो अब आ रहे हैं तो हम नाश्ता करेंगे। और आज मेरे को फिर से बुला रखा है, मतलब क्लास है कि क्या है अभी कुछ पता नहीं है मुझे, तो मैसेज आया हुआ है तो अभी फिर जाना है। हमने 10 बजे का टाइम दिया है, पर पता चलेगा कि आज क्या है, मतलब क्या बताएंगे। वो बगल वाली दीदी को भी बोल रखा, खुशी दी को, पर मतलब आज उन लोगों को बुला रखा जिनके बच्चे नहीं है, मतलब जिनके बच्चे हैं वो नहीं आएंगे। जिनके बच्चे नहीं है, मतलब जैसे हम लोग हैं अभी, हमारे बच्चे बच्चे नहीं है तो हम लोगों को बुला रखा वहाँ। तो आज वहाँ जाएंगे, देखेंगे आज क्या है स्पेशल, क्या मतलब आज क्या बताते हैं। बाकी अभी नाश्ता करेंगे हम, फिर उसके बाद दूंगी मैं तैयार। तैयार होने के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों को। हो चुकी हूँ रेडी और विक्की भी चले गए हैं ड्यूटी पे, और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे हम। और मैंने पहना है सूट, ये रहा मेरा सूट, क्योंकि यहाँ सूट और साड़ी ज्यादा पहनी जाती है। मतलब बाकी कपड़े भी पहन सकते हो आप अंदर, पर सूट और साड़ी जैसे मतलब फंक्शन होता है और जैसे जाना पड़ता है तो सूट या साड़ी पहनना पड़ता है। तो साड़ी मेरे को नहीं आती है पहननी, और थोड़ा आफत लगती है मुझे साड़ी में। सूट में भी आफत लगती है, पर मैं सूट पहन लेती हूँ, मेरे पास सूट है तो मैंने सूट पहना है ये रहा। तो अभी खुशी भी शायद तैयार हो रही है, फिर उसके बाद चलेंगे क्योंकि अभी टाइम है 5-10 मिनट। तो हम निकल चुके हैं जहाँ हमको जाना है, पर अभी बस का नहीं पता ना कहाँ पे आएगी, गेट का नहीं बताया उन्होंने। बस गेट पे जा रहे हैं हम और देखते हैं कौन कौन आएगा आज। अभी तो फिलहाल मैं और दीदी जा रहे हैं, बाकी लोग वहाँ पे मिलेंगे जो जो आ रहे होंगे। तो हम आ गए हैं घर, और दीदी क्या बताया फिर उन्होंने? ऐसी ऐसी क्या बताया? वीडियो एंगो बनाना। उन्होंने मतलब बच्चे के बारे में बताया कि कब करना चाहिए, एज क्या होती है, IVF के बारे में भी बताया। बाकी बोल रहे थे 30-32 साल तक करना चाहिए, उसके बाद थोड़ा एग कम हो जाते हैं, ये सब बता रहे थे। बाकी वीडियो अटक रही थी तो कहीं पे सुनाई दे रहा था, कहीं पे नहीं दे रहा था। बाकी हमने चाय पकौड़ी खाई, जलेबी खाई और आ गए। अब खाना बनाएंगे क्योंकि 12:30 हो चुके हैं, हमारे पति आने वाले तो हम खाना बनाएंगे। तो दीदी जा रही है अपने रूम में, दीदी का रूम ये है, मेरा रूम ये है, बस आमने सामने। मैंने बताया कि मैं आ चुकी हूँ, तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में और हाथ कपड़े चेंज करूंगी, फिर खाना वाना बनाऊंगी क्योंकि 12:30 हो चुके हैं। और हम लोग मतलब 9:30 बजे, मतलब 10 बजे से पहले चले गए थे, तो सारा टाइम स्टार्ट होने में टाइम लगा क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो कहीं कहीं पे नेटवर्क नहीं आ रहे तो बता रहे थे, तो कहीं पे हमने सुना नहीं, कहीं पे सुना ऐसे हो रहा था। बाकी बस वो बच्चे के बारे में डिटेल बता रहे थे, मतलब एज क्या होनी चाहिए, IVF के बारे में बता रहे थे, मतलब बच्चे से रिलेटिव भी बता रहे थे कि कौन सी एज सही है, क्या करना चाहिए, ये सब मतलब डिटेल में बता रहे थे मैम। तो बस वो बताया, फिर उसके बाद थोड़ा साइन वाइन किया कि कौन कौन आया है, नाम वाम लिख रहे थे वहाँ अपना अपना। फिर उसके बाद खाया पिया और आ गए। आज भी आर्मी के ट्रक में गए थे और उन्हीं के ट्रक में वापस आए हैं। वो जाते टाइम ना मतलब बहुत ज़्यादा हिलता है ट्रक, बस होती है ना थोड़ा कंफर्टेबल होती है ट्रक में, बहुत ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। तो बस और अब मैं खाना बनाती हूँ। शाम हो चुकी है और विकी तो चले गए थे 3 बजे, और तो अभी मैं खिड़की में बैठ के बाहर देख रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। अभी मैं भी जाऊँगी थोड़ा बाहर, बारिश आने जैसा मौसम बन रहा है थोड़ा, मतलब कभी भी आ सकते हैं बारिश, ऐसा लग रहा है मौसम को देखकर। यहाँ बारिश तो पता नहीं क्या हो रहा, मालूम ही नहीं, कुछ पहले तो पड़ी नहीं जब हम आए थे, और अब तो बारिश ही बारिश हो रही है। दिन में भी ऐसे हो गया था जब हम लोग वहाँ से क्लास से आए थे, उसके बाद बारिश आने का मौसम हो गया था, फिर शायद दिन में पड़ी थी थोड़ी बहुत बारिश जब हम सो गए थे, फिर उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अभी लग रहा है कि पड़ी है शायद से बारिश, और अभी भी कभी भी हो सकती है बारिश यहाँ। बाकी अब मैं थोड़ा चलती हूँ बाहर, घूमती हूँ। बगल वाली दीदी तो पता नहीं अंदर ही ऐसा है, बाहर नहीं आई है। हमने दूध लगा दिया था तो दूध वाला आता है, तो मैं बॉटल बाहर रख के आ गई हूँ। तो जैसे मतलब दूध वाला आता है तो बॉटल रख देता हूँ वहाँ पे, जैसे जो भर के लेके आता है दूध की, खाली बॉटल लेके चला जाता है। यहाँ ऐसा कर रखा हमने क्योंकि ना वो आवाज़ लगाते हैं कभी, बहुत चीज़ें ऐसी होती कि मतलब वो आवाज़ लगाते हैं, या फिर हम नहीं होते क्वार्टर पे या फिर कहीं होते तो नहीं ले पाते, तो इसलिए मतलब बहुत सारे यहाँ लोगों ने ऐसा कर रखा है कि मतलब घर के अपने मतलब क्वार्टर के बाहर से पन्नी टांग रखिए तो दूध वाला आता है तो उसमें डाल के चला जाता है। तो हम लोगों ने भी ऐसे कर रखा, बॉटल बाहर रख देते हैं, वो आता है खाली बॉटल ले जाता है, भरी हुई बॉटल रख देता है, 6 बजे तक आता है। 6 बजे तो मैं रूम पे ही रहती हूँ, अगर बाई चांस कभी चले जाती हूँ, जैसे कल मैं घूमने चले गई थी दीदी के साथ इधर ही कहीं, तो उस टाइम पे मैं थी नहीं तो बॉटल रख गया था। बाकी विक्की आ गए थे मेरे आने से पहले तो अंदर ले आए थे। बाकी बाहर चलते हैं, और शायद अगर आज विक्की टाइम से आएंगे तो हम लोग थोड़ा मार्केट जाएंगे क्योंकि हमको कुछ सामान लेके आना है, और सब्जी भी लेके आनी है क्योंकि सब्जी नहीं है, सब्जी खत्म हो गई है, तो सब्जी भी लेके आएंगे। तो देखते हैं कब तक आते हैं, बोल रहे थे कि मार्केट जाएंगे
पर अभी तक तो आए नहीं, क्या पता 6:30 बजे के बाद आए या 6 तो बजने वाले ही हैं, तो देखते हैं कब तक आते हैं। जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, और नहीं जाएंगे तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, इसमें कुछ अलग नहीं है। बाकी मैं बस एक खिड़की में बैठी रहती हूँ, यहीं से बाहर देखती रहती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर अभी चलते हैं थोड़ा बाहर, मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का नजारा। ये रखिए दूध की बॉटल, तो दूध आ चुका हमारा, ये रहा बॉटल इसमें आया है। जैसे मैं बाहर गई वैसे वो दूध की बॉटल रख के चले गए, तो मैं ले आई हूँ अंदर। इसको पतीले में खाली कर देता है, नहीं तो बॉटल में स्मेल आने लग जाएगी, तो मैं पतीले में डालती हूँ इसको। गर्म तो मैं बाद में करती हूँ जब मतलब खाना बनाती हूँ उस टाइम पे, पाके अभी पतीले में डाल देती हूँ खाली। गाइस विक्की आ चुके हैं पर हम मार्केट नहीं गए क्योंकि आए नहीं टाइम से, अभी थोड़ी देर पहले ही आ रहे हैं। टाइम हो चुका है 7:30, तो अब मार्केट जाके कोई फायदा नहीं था तो नहीं गए मार्केट। मैं और बगल वाली दीदी थोड़ा घूमे इधर, गोल गोल चक्कर मारे इधर के ही बस घूमे और आ गए हैं, और इधर खाने की तैयारी मतलब अभी फिलहाल ऐसी। इसका खाना तो हम रुक के बनाएंगे अभी क्योंकि है ये दूध बिक्की के लिए, बिक्की दूध पियेंगे, मिले माजा जेम ब्रेड, क्योंकि बिक्की को भूख लग जाती है ड्यूटी से आके, है ना। अच्छा नहीं लगती? अच्छा भूख लगती है मेरे को? नहीं लगती है? नहीं यार, मैं अंदर रख दूं? नहीं यार खाएंगे यार। नहीं यार खाएंगे, ऐसे मत कर यार। कहाँ है ये? इधर है ये। क्या डाल दिया ऊपर से दूध में? कौन बिटा है वो हॉर्लिक्स है। सॉरी हॉर्लिक्स तो है ये, ऊपर से क्या पॉपुलर टाइप की हॉर्लिक्स का ही है वो। हॉर्लिक्स का नहीं, इसका कुछ है। अच्छा कोई नहीं, बंद का होगा। बाकी हॉर्लिक्स डाल के पी रहे हैं लोग दूध, क्योंकि दूध में ना कोई टेस्ट नहीं आ रहा, पता ही नहीं चला कि दूध पी रहे हैं कि ऐसा लग रहा पानी पी रहे होंगे। मैंने उनसे बोला दूध वाले भैया से, तो बोले भी बरसात का टाइम है थोड़ा हो जाता है, बाकी देखो बरसात खत्म होने के बाद कैसा दूध देते हैं वो। बाकी बॉर्नविटा लेके हॉर्लिक्स लेके आए हैं, हॉर्लिक्स का भी ज्यादा कुछ फर्क दिख नहीं रहा। हॉर्लिक्स मतलब हमें 2 चम्मच डालने पड़े तब जाके, बॉर्नविटा थोड़ा सा डालो ना बहुत हो जाता है, हॉर्लिक्स इतना वो नहीं, मीठा भी कम है हॉर्लिक्स में, है ना। कैसा लग रहा है आपको? कैसे दूध के बाद हॉर्लिक्स बॉर्नविटा क्या सही लगता है आपको? तू कुछ भी पिला दे यार, मेरे को सब अच्छा लगता है। और मूवी भी आज मूवी लग रही थी, यहाँ फ्राइडे है आज, तो आज मूवी लग रही थी, तो आज नहीं लगी मूवी, कल लगेगी, तो कल हम मूवी देखने भी नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि कल इनको जाना बड़ा खाना खाने के लिए। क्या होता है बड़ा खाना? मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहीं बड़ा खाना खाने कभी। बड़ी बड़ी रोटी बनती है, बड़ी बड़ी बड़ा खाना, इतना बड़ा बड़ा प्लेट, मुझे क्या पता। हाँ यार ऐसे होता है। चलेगी कल मेरे को? ले जाओ, आने देंगे तो मैं चलूंगी। चलेंगे क्योंकि कल रात ही बड़ा खाना खाने के लिए जाएंगे, तो कल मूवी देखने नहीं जा सकते, फिर संडे को ड्यूटी है इनकी, उस दिन भी नहीं जा सकते, पता नहीं कब जाएंगे। जब से आगे मैं मूवी देखने नहीं गई हूँ, मैं मूवी देखने का बहुत मन है, देखते हैं। एक दिन बनाया था हमने प्लान, मतलब कल परसों बनाया था हमने प्लान, पर वहां से कॉल आ गया था कि मूवी अभी लगी नहीं है, मूवी 24 तारीख के बाद लगेगी, तो प्लान कैंसिल हो गया था हमारा। आवाज कम कर लो। लो यार कर दिया मैंने कम, तो शुरू करो, ठंडा हो गया। तो खाओ आप, तो आपको ठंडा क्या हो गया? दूध आप ही का ठंडा हो रहा है, मैं तो अपने के लिए जूस लेके आई हूँ भाई, ये दूध वाले बच्चे। टेस्ट आ रहा है बहुत तगड़ा यार। पानी वाला? हॉर्लिक्स वाला। अच्छा हॉर्लिक्स का आ रहा है टेस्ट, सुबह कल तक तो नहीं आ रहा था, आज कैसे हो रहा है टेस्ट? ये अकेले अकेले शुरू हो गए। जैम लेके आई हूँ, जैम लगा के खाओ यार। अकेले अकेले तू भी खा। ना 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 ना, अरे आप खा लो यार, मैं जैम लगाती हूँ। चलो 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 चलो, हम लोग आ चुके हैं अब सोने के लिए, हमारा खाना वाना हो चुका है, खाना खा लिया हमने, बस अभी आई हूँ बर्तन धुल के जस्ट, और अब सो जाएंगे हम क्योंकि कल सुबह फिर उठना भी है। विक्की तो जल्दी उठ जाएंगे, मैं थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि ये पीटी में जाते हैं, तो तब तक मैं थोड़ा सो जाती हूँ, फिर ये जब पीटी से आ जाते हैं तब उठती हूँ मैं। बाकी ये फोन चला रहे हैं अपना, ये भी अभी थोड़ी देर में सो जाएंगे, और अभी हम बाहर भी नहीं गए घूमने के लिए क्योंकि हमने वो खाया, क्या खाया हमने याद करने तो मुझे, क्या खाया लोगों ने? ब्रेड खाया था, तो फिर भूख नहीं लग रही थी तो हमने फिर लेट बनाया खाना, तो अभी खाया है जस्ट, और 10 बज चुके हैं तो लेट खाया, तो इसलिए हम बाहर भी नहीं गए घूमने, अगर जल्दी खा लेते खाना तो बाहर जाते हैं, अभी सब सो चुके हैं तो बाहर जाके कोई फायदा नहीं है, फिर खाली में लोग भी नींद डिस्टर्ब क्यों करनी है बाहर घूम के, तो इसलिए हम गए नहीं बाहर।
बस और आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरा चैनल जल्द जाके सब्सक्राइब करें, तभी आपको मेरी आगे की अपडेट मिलेंगी वीडियो की। और बाकी ये रहे, ये कुछ बोलना चाहेंगे तो, वैसे तो कुछ बोलते नहीं है, मैं ही बोलती हूँ जितना बोलती हूँ। हाँ कभी कभी मूड रहता है इनका तो ये बोल लेते हैं। बाय गाइस गुड नाइट, तेरा डायलॉग है बाय गाइस गुड नाइट। मेरा डायलॉग आप अब तो अपना डायलॉग मारो ना फिर। तो ऐसे तो कहते हैं बाय गाइस गुड नाइट, तो आप अपना डायलॉग मारो ना बाय गाइस गुड नाइट। गाइस सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें, सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो देखें।